वर्डप्रेस सीरीज के पार्ट वन में आपने देखा था किस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको पार्ट टू। इस पार्ट टू में आपको पता चलेगा कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए पेज बना सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू काम करते हैं, ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस के थ्रू ही वेबसाइट बनाते हैं, और आपको बता दें HTML की जरूरत नहीं पड़ती है और यह इजी टू यूज होती है। इस कारण से वर्डप्रेस पर सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनती है, इसी के साथ ही ब्लॉगर पर बनती है। वर्डप्रेस पर अगर आपकी वेबसाइट बनी है तो लगातार सीरीज चला रहे हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आज हम बताने जा रहे हैं कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्या होते हैं? पेज बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। बिना पेज बनाए आप अपनी वेबसाइट की जानकारी नहीं दे सकते। पेज जैसे कि अबाउट अस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉन्टैक्ट अस हालांकि एक प्लगइन है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन इसका भी एक पेज होता है। आज हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार बताएंगे कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट के मेन्यू पर यानी टॉप बार पर लगा सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो WGMH को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करिएगा, लाल कलर की बटन को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ ही एक सीरीज हम ऑल लाने वाले हैं यूट्यूब पर। जैसे अभी हम वेबसाइट पर सीरीज ला रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं पार्ट टू है सीरीज, कैसे यूट्यूब पर भी एक सीरीज ला रहे हैं कैसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं, कैसे क्या क्या आपको करना होगा। सिलसिलेवार टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट के लिए आपको GMH न्यूज चैनल पर तो आप जुड़े ही हैं, साथ ही WGMH पर भी जुड़ जाइए। पल पल की अपडेट के लिए आपको WGMH को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। चलते हैं अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। WordPress बहुत ही अच्छा एक तरफ से समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है, जो आपको जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर लेकर। चलिए अब आपको इसमें सबसे पहले तो हमने आपको पोस्ट लिखना बता ही दिया है कि आप पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप पेज कैसे बना सकते हैं। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर पेज बने हुए हैं, आपको यहाँ पर साइड में पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है इस पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक भी पेज नहीं बना होगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट नई होगी, इस कारण से आपके पेज नहीं बने होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो ऐड न्यू क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, और जो भी आपको पेज क्रिएट करना है भाई आप पेज क्रिएट कर लेंगे। आपको बता दें सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और वगैरह वगैरह ये सभी पेज क्रिएट करने होते हैं। अबाउट अस मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, तो मान लीजिए मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ डिस्क्रिप्शन का एक पेज कैसे क्रिएट करना होगा, और आप भी अपने अनुसार कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका अबाउट अस पेज नहीं है तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन का पेज क्रिएट करना और होम स्क्रीन पर कैसे लगाना ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, और बने रहिएगा आप हमारे साथ। आपकी स्क्रीन के सामने एक साइट हम दिखा रहे हैं GMHnews.in, यहाँ पर देखिए पेज क्रिएट है ऑलरेडी, और यहाँ पर अभी आप एक नया पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का। अभी ये डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर आपको पेज अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको हम डिस्क्रिप्शन का पेज यहाँ क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से आप ये भी पेज बना सकते हैं, और वह भी पेज कैसे शो करेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। बने रहिएगा लाइव, हम आपको दिखा रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, निश्चित तौर पर पेज क्रिएट करने के लिए आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा वही उस तरीके जैसे आप पोस्ट क्रिएट करते थे, उसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन आने लगेंगे। साइड में सेटिंग एटिंग दी होने लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पर टैग एक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, चूंकि वह पोस्ट थी लेकिन ये आपका पेज है। पेज यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन का पेज मान लीजिए बनाना है, पेज में डिस्क्रिप्शन लिख दिया यहाँ पर, और नीचे मैटर भी लिखना होगा। मैटर अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं, शेड्यूल करके शेड्यूल को पब्लिश कर दिया। अब हमारा ये पेज पब्लिश हो गया है, लेकिन अभी आपका काम नहीं हुआ है। अगर मैं पेज देखूंगा यहाँ पर तो पेज नहीं आया होगा। रिफ्रेश कर देता हूँ साइट को, वेबसाइट को रिफ्रेश कर दे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का कोई भी पेज आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। डिस्क्रिप्शन का पेज ऐसे नहीं देखने को मिलता, पेज तो आपने बना लिया, आप सोचेंगे पेज तो बहुत ही चुटकियों में बन जाता है। अब आपको असली काम करना होगा, असली काम ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन का पेज यहाँ पर सबमिट कर दिया, यहाँ पर आपने पब्लिश कर दिया। अब आपको बैक जाना होगा, यहाँ पर बैक जाते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपीयरेंस में, ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पर आपको थीम, कस्टमाइज, विडगेट और मेन्यूज पर आपको जाना होगा। चौथे नंबर पर आपको क्लिक करना होगा, याद कर लीजिए, मेन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक मेन्यू को क्रिएट करना पड़ेगा। मेन्यू आपको इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि आपकी वेबसाइट नई होगी, तो आप मेन्यू नहीं देंगे तो आपका पेज जाएगा कहाँ, तो ये बड़ा सवाल है, तो इसलिए आपको मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट दिखाई दे रहे होंगे, चूंकि ये वेबसाइट बनी हुई है, कम्प्लीट है, इस कारण से मेन्यू क्रिएट है। लेकिन आप लोग पहली बार आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और एक मेन्यू यहाँ पर जो भी नाम देना हो यहाँ पर दे सकते हैं, और मेन्यू क्रिएट कर लेना है आपको। और मेन्यू क्रिएट कर लेने के बाद आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मेन्यू शो होने लगेगा, और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर साइड में पेज शो होंगे। अब आपको क्या करना है, इन पेज को यहाँ से यहाँ तक लाना होगा और यहाँ से फिर सेव कर देना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए पेज दिखाई दे रहा है रिसेंट, यहाँ डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ऑलरेडी ऐड है। आपकी नई वेबसाइट होगी तो आप ये सब यहाँ से उठाकर यहाँ लाना होगा।
लेकिन आप लाएंगे कैसे? इसके लिए आपको यहाँ पर, जैसे मैं मान लीजिए डिस्क्रिप्शन मेरा नया पेज है और यहाँ पर मुझे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन पर सिलेक्ट करना होगा आपको। अब यहाँ पर लिखा है ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करना होगा। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करते ही आपको देखिए डिस्क्रिप्शन का नया पेज यहाँ पर जुड़ जाता है। इसी तरीके से आप अन्य पेज बनाइएगा और ऐसे ही जोड़ते रहिएगा। और जोड़ने के बाद आपसे कुछ मेन्यू सेटिंग नीचे देखने को मिलेगी। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ चाहते हैं आपका ये जो पेज है ये कहाँ पर शो हो। टॉप बार नेविगेशन यानी कि हमने जो अभी दिखाया ये देखिए पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी यानी बीच में शो हो, यानी कि यहाँ पर पेज शो हो आपके, या फिर आप अगर चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जहाँ पर भी ये चाहे वहाँ पर पेज शो करे, तो यहाँ पर टॉप बार नेविगेशन मैंने चूज किया है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर लिया। ऐसे ही आप लोग अपने पेज जोड़ सकते हैं, पेज बना सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो पूछिएगा। अब अहम बात यह आ जाती है, पेज तो हमने बना लिया, अब देखते हैं हमारी साइट पर ये पेज डिस्क्रिप्शन वाला शो हो रहा है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है पेज ये शो नहीं हो रहा हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सेव मेन्यू पर भी क्लिक करना होगा। सेव मेन्यू पर क्लिक करने के बाद ही आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। चलिए हम अब साइट पर चलते हैं, देखते हैं डिस्क्रिप्शन का जो हमने पेज बनाया था वाकई में वो पेज आया है या फिर ऐसा ही सब कुछ चल रहा है राम भरोसे। देखते हैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द कंटेंट डिस्क्रिप्शन। ओ माय गॉड, अब आपको क्या करना है, एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही देखते हैं कुछ चमत्कार होता है या फिर नहीं। वेबसाइट को यहाँ रिफ्रेश कर दिया, देखिए हो गया चमत्कार, डिस्क्रिप्शन का पेज हमें देखने को मिल गया। ये देखिए डिस्क्रिप्शन का पेज आ गया, कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, इस पेज हमारे ऑलरेडी बने थे। डिस्क्रिप्शन पर हम चलिए क्लिक करके देखते हैं कुछ है इसमें या नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपका कोई भी मैटर शो नहीं हो रहा है, कुछ भी है ही नहीं, यानी डिस्क्रिप्शन आपकी खाली है। अब सवाल ये आता है डिस्क्रिप्शन खाली है, इसको भरा कैसे जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको देखिए प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ है। प्राइवेसी पॉलिसी में देखा तो हमें यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ मसाला पड़ा हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन खाली है। डिस्क्रिप्शन इसलिए भी खाली है क्योंकि हमने उसमें कुछ डाला ही नहीं था, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पेज अकेला बनाया था। और अन्य पेज हम चेक कर लेते हैं इसमें कुछ है या नहीं। देखिए अबाउट है, सब में कुछ है, कुछ ना कुछ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। तो अब डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ ना कुछ डालना है, तो अब कैसे डालेंगे? फिर हम इसके लिए चलना होगा पेज पर। पेज हम जाएंगे ऑल पेज पर जाएंगे, और ऑल पेज करने के बाद आपको जो भी पेज आपको एडिट करना होगा वह पेज पर जाइएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के पेज को हमें एडिट करना होगा, तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करिएगा। अगर आपका मैटर किसी भी नोट पैड या कहीं पर भी टाइप है, कुछ भी है, तो आप वहां से यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अगर टाइप नहीं है तो आप सिंपली इंग्लिश में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना क्योंकि ये सब उल्टा सीधा लिखा जा रहा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन असली में लिखनी है। आप सवाल आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ एक फोटो भी ऐड करनी है, तो फोटो ऐड करने का प्रोसेस भी उसी तरीके से है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, आपको यहाँ पर फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास फोटो आने लगेंगी, या फिर आप अपलोड फाइल में जाइएगा, सिलेक्ट करके फोटो को चूज कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पर। और मान लीजिए कोई भी फोटो आप चूज करेंगे, चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन कर लेना होगा, फिर आपको सेट इमेज करना होगा। यहाँ पर आपकी फोटो आ गई, तो इस फोटो को करने के बाद आपको करना क्या है, बस अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही देखते हैं हम कोई चेंजेस हुई है या फिर नहीं। चलते हैं फिर से एक बार अपनी साइट पर, ये हमारी साइट है, इसको भी एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। साइट को रिफ्रेश कर लिया गया, डिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं कुछ अपडेट आई है या फिर नहीं। तो आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी अपडेट आ चुकी है। मैटर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था, ये देखिए मैटर आ चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका कोई भी कंटेंट चोरी ना हो पाए, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको हम अभी सीरीज दे रहे हैं वर्डप्रेस से जुड़ी हुई, काफी अच्छी कमाल की सीरीज। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पेज से रिलेटेड जानकारियां पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस पेज को हटाना भी है, तो हम जाते जाते आपको बता भी देते हैं कि पेज कैसे हटाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी पेज है यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन दिया होगा, TRASH, यहाँ पर क्लिक करते ही ये पेज ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये देखिए पेज हट गया। अब यहाँ पर भी आपको हम ले चलते हैं, रिफ्रेश करके दिखाते हैं पेज, यहाँ पर देखिए हट गया। अब अपना होम पर चले जाते हैं, वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज चाहिए jmhnews.in, इस वेबसाइट पर जाइएगा, खबरें प्राप्त कर सकते हैं आप लोग अपडेट। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने आज बताया कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, कुछ भी दिक्कत आ रही, तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिएगा। अब हम फिर आपको नई अपडेटें बताएंगे, बहुत ही अहम ये टूल जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, कमेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, एप्लीसेंस में बहुत सारे ऑप्शन दिए, सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और यूट्यूब से जुड़ी हुई भी अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं सीरीज बनाकर, उसको लेने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी होगा, सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए और ऑल कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट में फिर से। गुड बाय।